हेलो टू ऑल। आज हम बात करेंगे हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, दैट इज द कंप्लीट यूनिट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, जिसके दो चैप्टर हैं। पहला है आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड सेकेंड इज कॉल्ड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये दो चैप्टर हैं, कलेक्टिवली देख रहा हूँ इनटू ए कैटेगरी कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। और देखिए, ये पढ़ने से पहले आप समझिए इस चीज़ को। ऐसा बोला जाता है कि जेनेटिक्स बहुत टफ है, ठीक है, क्योंकि एकमात्र ऐसा टॉपिक है पूरी बायोलॉजी में जो कंसेप्चुअल है, ठीक है, जिसमें कंसेप्ट यूज में आते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स यूज में आती है। लेकिन मैं ये बोलूँगा ये बहुत इजी चैप्टर हैं अगर ढंग से पढ़ें तो। अगर आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा तो ये बहुत टफ पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे पढ़ाऊँगा वैसे वैसे उसको आप पढ़िएगा, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखिए, हम बात करें किसकी, जेनेटिक्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि जेनेटिक्स टर्म जो है वो किसने दी थी। तो आपने याद रखना है साइंटिस्ट का नाम कौन, वैटसन। वैटसन वॉज द साइंटिस्ट हु गेव्स द टर्म जेनेटिक्स, पहली चीज। सेकंड, व्हाट इज जेनेटिक्स, है क्या जेनेटिक्स। तो हम बोलेंगे जेनेटिक्स दो शब्दों से, दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या, वन इज हेरिडिटी एंड सेकंड इज वेरिएशन, यानी कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। नाउ व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन, हम सिंपल पहले बात करेंगे इसकी हेरिडिटी। आपने सुना होगा हेरिडिटिकल कैरेक्टर्स, हेरिडिटी, ठीक है। मीनिंग क्या हेरिडिटी का, एक पेरेंट्स से उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में या उसकी ऑफस्प्रिंग में करेक्टर्स जब ट्रांसमिट होते हैं तो उस फिनोमेना को हमने क्या बोला है, हेरिडिटी। हम बोलते हैं ना कि अरे इस बच्चे की नाक जो है इसके फादर के जैसी है, इसकी आईज जो है इसकी मदर की जैसी है, बोलते हैं ना। इट मीन्स कहीं ना कहीं ऐसे करेक्टर जो एक पेरेंट से उसके बच्चे में आ रहे हैं, सच करेक्टर, सच ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, क्या हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे हैं क्या, कॉपी हैं क्या अपने पेरेंट्स की, नहीं। हमारे अंदर क्या आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, लेकिन हाँ हमारे अंदर कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो हमारे पेरेंट्स जैसे हैं। इट मींस पेरेंट्स से कुछ करेक्टर तो आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, लेकिन हम एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है, यानी क्या आ रहे हैं हमारे अंदर, वेरिएशंस आ रहे हैं। तो इन दोनों की कलेक्टिव स्टडी जो है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। और जेनेटिक्स टर्म जो थी वो किसने दी थी, वैटसन ने, सिंपल है। आइएगा अब हम यहाँ पर कुछ अर्लियर हम देखेंगे साइंटिस्ट विच आर रिलेटेड टू द जेनेटिक्स। आप अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बहुत अच्छे से जानते हैं कौन, ग्रेगर जोहेन मेंडल। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, सिंपली आपने क्या नाम याद रखना है, मेंडल, पूरा नाम याद रखना, ग्रेगर जोहेन मेंडल वॉज द साइंटिस्ट हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। सेकेंड, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, अगेन कौन, वही जिन्होंने टर्म दी थी जेनेटिक्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, कौन है बेटा जी, याद रखना कौन, वैटसन। नेक्स्ट, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये नाम अगर आपने सुना हो क्या, एक ऑर्गेनिज्म है, फ्लाई है, जिसका नाम है ड्रोसोफिला, ठीक है। उस ड्रोसोफिला पर वर्क किया था किसने, मॉर्गन ने, और कई सारे कंसेप्ट्स बताए थे। तो याद रखना मॉर्गन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एंड लास्ट, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है, किसे बोला जाता है, गैरोड को। ए डॉट गैरोड इज नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, वैटसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, एंड मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये हमने सिंपली कुछ सिंपल सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहा है हमने किसका, हमारे जेनेटिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम जेनेटिक्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा था, अब उसके बाद हम कुछ जनरल टर्म्स देख रहे हैं जो हमारे जेनेटिक्स में यूज में आते हैं, ठीक है। सबसे पहली टर्म है फैक्टर, ध्यान से सुनना। देखिए, फैक्टर मीन्स द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। ये फैक्टर वर्ड किसने दिया था, भूलना मत, किसने, मेंडल ने। अब इसी फैक्टर को जोहेंसन ने नाम दिया था क्या, जीन। तो आप सभी ने वर्ड सुना हुआ क्या, जीन। तो जीन इज आल्सो नोन एज फैक्टर, एंड जीन टर्म वाज गिवन बाय जोहेंसन, व्हाइल द जीन
previously known as factor. This factor term was given by Mendel. समझ में आ गया? अब बात आ गई बेटा जी, ये जो जीन जो थे, इन जीन को सिंबलाइज सबसे पहले किसने किया था? मॉर्गन ने. लाइक जो कैपिटल लेटर जो है, जीन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? कैपिटल लेटर से. इट मींस वो जीन कैसा है? डोमिनेंट है. और स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मींस वो कैसा है? रिसेसिव है. ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने तीन साइंटिस्ट की बात करी. क्या? फैक्टर विच इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज जा रही है जिसको हम बोलते हैं जीन. ठीक है, उसको नाम दिया था क्या? फैक्टर. किसने? सबसे पहले मेंडल ने. ठीक है, बाद में जोहेंसन ने उसको चेंज करके क्या बोला? जीन. और उसके बाद मॉर्गन ने इन जीन्स को सिंबलाइज किया बाय कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाट इज जीन? जीन क्या है? क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जीन डीएनए और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा. देखिए एक सेल है, उस सेल के अंदर हमने याद करी, सेल बायोलॉजी चैप्टर में हमने बात करी थी. इस सेल के अंदर न्यूक्लियस मिल रहा है और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का जाल मिल रहा है. That network of DNA is called chromatin. ठीक है? जब सेल डिवाइड होती है तो this chromatin get condensed to form chromosome. तो क्रोमोजोम और क्रोमेटिन में मात्र कितना सा डिफरेंस था? एक्सपेंडेड फॉर्म इज कॉल्ड क्रोमेटिन, कंडेंस्ड फॉर्म इज कॉल्ड क्रोमोजोम. अब जरा सोचिए, क्रोमोजोम किससे बना हुआ है? हमने बोला दिस क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ डीएनए. क्रोमोजोम किससे बना हुआ है? डीएनए, ही हम पढ़ चुके हैं. अब डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन. तो अब जरा सोचिए, इफ दिस इज क्रोमोसोम, ये कौन है बच्चे? क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए के दो स्ट्रैंड से. डीएनए के दो फिलामेंट हैं जो क्या बना रहे हैं आपका? क्रोमोसोम. यानी क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंट ऑफ डीएनए. And a short segment of this DNA, एक छोटा सा पार्ट DNA का क्या कहला रहा है आपका? जीन. समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको क्रोमोजोम, DNA और जीन में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा. Now, अब हमने बात करी क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्या बनाया था? क्रोमोजोम. ठीक है, और क्रोमोजोम किससे बना हुआ है? DNA. और इसी क्रोमोजोम पर DNA का छोटा सा पार्ट क्या कहला रहा है? जीन. यानी क्रोमोजोम का एक छोटा सा पार्ट क्या कहला रहा है आपका? जीन. ऐसा भी बोल सकते हैं. देखिएगा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि मैंने एक सेल ली है मेरी, उस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46. एंड आई एम ए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इट मींस कहीं ना कहीं उस 46 में से 23 क्रोमोसोम किससे आए हैं? फादर से. और 23 क्रोमोसोम किससे आए हैं? मदर से. आप अच्छे तरीके से जानते हैं जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो 23 क्रोमोसोम किस में आ रहे हैं? स्पर्म में. 23 किससे आ रहे हैं? ओवम में. दोनों फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं? जायगोट. जायगोट अब मल्टीप्लाई करेगा तो बॉडी बनेगी. और जायगोट में अगर 46 हैं तो पूरी बॉडी की हर सेल में कितने होंगे? 46 होंगे, क्योंकि क्या हुआ है? माइटोसिस. ठीक है, अब देखिएगा, हमने बोला मैंने एक सेल निकाली है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, जिसमें से 23 किसके हैं? फादर के. 23 किसके हैं? मदर के. मैंने 23 में से क्रोमोसोम फर्स्ट देखा, किसका? फादर का ले लिया. और क्रोमोसोम फर्स्ट किसका ले लिया? मदर का. ठीक है, दोनों कौन है? क्रोमोसोम फर्स्ट ये भी है, ये भी है. अब इस क्रोमोसोम में ये जो एरिया था, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहां से फोर्थ पोजीशन पर एक जीन मिल रहा है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी से. और यहां पर फोर्थ पोजीशन पर एक और जीन मिल रहा है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे? कैपिटल टी से. ठीक है, अब जरा सोच समझ के मुझे बताएं, ध्यान से सुनना. मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, एक जीन की कितनी फॉर्म्स होती हैं? दो फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, या तो वो दोनों फॉर्म कैसी होंगी? सेम होंगी, यानी डोमिनेंट होगी. या वो दोनों फॉर्म कैसी होंगी? सेम होंगी लेकिन अलग अलग होंगी. कैसी? रिसेसिव होगी. ये भी कैसी होगी? रिसेसिव होगी, पहले वाली कंडीशन से. डोमिनेंट रिसेसिव. या थर्ड कंडीशन, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. तो जरा सोचिए, एक जीन के कितने रूप मिल रहे हैं, एक जीन की कितनी फॉर्म्स मिल रही है? तो हम बोलेंगे एक जीन की दो फॉर्म मिल रही है. ठीक है, किस पर मिल रही हैं? दो क्रोमोसोम पर मिल रही हैं. सेम पोजीशन पर अगर मिलते हैं वो जीन, सच जीन्स आर कॉल्ड, सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम.
ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम पर मिलने वाली एक जीन की अल्टरनेटिव दो फॉर्म क्या कहलाती हैं? एलील्स कहलाती हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, क्या क्या एक जीन की दो फॉर्म, ध्यान से सुनना, एक जीन की, क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज्ड करता है वर्ड, एलील का मतलब ही भूल जाते हैं बच्चे, क्या सिंपल सिंपल वर्ड में याद रखिए, क्या एक जीन जो दो तरीके से मिल रहा है, या तो कैपिटल कैपिटल मिलेगा या कैपिटल स्मॉल स्मॉल मिलेगा या कैपिटल स्मॉल मिलेगा, ठीक है। एक जीन की दो फॉर्म मिल रही है, किस पे? होमोलोगस क्रोमोसोम पे। सच फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील्स, ठीक है। तो जरा देखिए, यहां पर कैपिटल टी और यहां पर अगर कैपिटल टी होएगा तो ये कैपिटल टी भी क्या है? एलील है। और कैपिटल टी भी क्या है? एलील है। यहां पर कैपिटल टी है और यहां पर स्मॉल टी है, कैपिटल टी भी एलील है, स्मॉल टी भी एलील है। यहां पर स्मॉल टी और यहां पर स्मॉल टी है, ये दोनों भी क्या है? आपके एलील्स हैं। तो मेरे ख्याल से एलील का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, क्या? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, क्या अलग अलग फॉर्म्स मिल रही है किसकी? जीन की, ठीक है। आइदर कैपिटल कैपिटल या कैपिटल स्मॉल या स्मॉल स्मॉल, अल्टरनेटिव फॉर्म्स मिल रही है, ठीक है। किस पे मिल रही है? होमोलोगस क्रोमोसोम पे, उसको हमने क्या नाम दिया? एलील। और ये एलील वर्ड जो है ये किसने दिया था? आपके बैटसन ने। क्लियर है? तो जो नेक्स्ट टर्म आ रही है दैट इज होमोजाइगस। देखिए, इससे पहले हमने किसकी बात करी? फैक्टर की। फिर किसकी बात करी? एलील की। अब किसकी बात कर रहे हैं? होमोजाइगस। देखिएगा, होमो मींस सेम एंड जाइगस वर्ड कम्स फ्रॉम जाइगोट। क्या मतलब है? देखिएगा, हमने लिखा ए जाइगोट हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर, फैक्टर मतलब जीन्स, ए जाइगोट हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर, ठीक है, फॉर ए करेक्टर। किस चीज के लिए? एक करेक्टर के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। देखिएगा, हमने बोला ह्यूमंस की बात करी, एक स्पर्म था, उस स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 23, ठीक है। हमने यहां पर एक क्रोमोसोम निकाला, कौन सा क्रोमोसोम? फर्स्ट। हमने देखा इस क्रोमोसोम फर्स्ट पर थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर एक जीन मिल रहा है, कौन सा? कैपिटल टी। हमने ओवम लिया, इस ओवम के अंदर भी क्रोमोसोम फर्स्ट लिया, इस फर्स्ट पे भी क्रोमोसोम फर्स्ट के फोर्थ पोजीशन पर एक जीन मिल रहा है, कौन सा? कैपिटल टी। अब जरा सोचिए, ये दोनों गैमेट जब फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? जायगोट। इस जायगोट के अंदर जब मैंने देखा क्रोमोसोम फर्स्ट पर जो जीन मिल रहे थे, दोनों पर क्या मिल रहे? कैपिटल टी यानी आइडेंटिकल क्या मिल रहे हैं? एलील बोल दीजिए, फैक्टर बोल दीजिए, जीन बोल दीजिए, ये मिल रहे हैं। ऐसा जायगोट क्या कहलाएगा? आपका होमोजाइगस। यानी एक करेक्टर को डिसाइड करने वाले दो फॉर्म्स जो मिल रही हैं जीन की, वो कैसी हैं? सेम सेम हैं। ऐसे जायगोट को हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। हेटरोजाइगस का मतलब क्या होएगा? जब दोनों में से एक एलील डोमिनेंट होएगा और दूसरा एलील रिसेसिव होएगा, सच कंडीशन इज कॉल्ड हेटरोजाइगस, ठीक है। क्लियर है? यहां पर जब नॉन आइडेंटिकल फैक्टर होएंगे जो एक करेक्टर को डिसाइड करेंगे, किसके अंदर मिल रहे हैं? जायगोट के अंदर, उसको हम बोल रहे हैं हेटरोजाइगस। जब आइडेंटिकल एलील्स होंगे, आइडेंटिकल फैक्टर होंगे, आइडेंटिकल जीन होंगे जो एक करेक्टर को डिसाइड करेंगे, सच कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा देखिएगा बेटा जी, ये जो मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, यहां पर हमने किसकी बात करी? जीन की ना। यानी यहां पर हमने किसकी बात करी? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन की, जीनोटाइप। बेसिकली वर्ड में यहां पर लूंगा क्या? जीनोटाइप। तो याद रखना, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को सिंबलाइज करते हैं उसके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन से, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका जीनोटाइप। जैसे सपोज, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो जीन है, ये एक करेक्टर को डिसाइड कर रहा है, किसको? हाइट को। आप सभी ने ये पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, ठीक है। अब मैंने बोला किसी जायगोट के अंदर ये कंडीशन मिली थी कैपिटल टी, यानी दोनों जीन कैसे हैं? डोमिनेंट है, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। इट मींस ये वाला जो जीनोटाइप होगा, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ऑर्गेनिज्म कैसा होएगा? टॉल होएगा। जब ये वाला जीनोटाइप होएगा तो वो अपने आप को जब एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा प्रॉपरली, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जीन कैसे हैं? रिसेसिव। तो करेक्टर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, इस कंडीशन में कैसा होएगा ऑर्गेनिज्म? कैसा दिखाई देगा? ड्वार्फ दिखाई देगा, ठीक है। तब आप जरा सोचिए, ये क्या था? जीनोटाइप था। जीनोटाइप जब एक्सप्रेस होता है तो करेक्टर दिखाई देते हैं,
सच करेक्टर्स जो दिखाई दे रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर एक्सटर्नली करेक्टर्स जो दिखाई देते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड फीनोटाइप। तो ये बहुत सिंपल सी टर्म सी क्या, फीनोटाइप एंड जीनोटाइप। फीनोटाइप मींस बाहर से किसी करेक्टर को देखना, दैट इज कॉल्ड फीनोटाइप। और वो जो करेक्टर जो आपको दिख रहा है उसको डिसाइड किसने किया था, उसके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ने, जीन्स ने, दैट कंडीशन इज कॉल्ड जीनोटाइप। जैसे मैंने बोला मेरी आंखों का रंग, मेरे बालों का कलर, मेरी बॉडी की हाइट, ठीक है, ये सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं, ये सारे के सारे करेक्टर्स क्या कहलाएंगे, फीनोटाइप, जिनको रेगुलेट कौन करेंगे बेटा जी, याद रखना जीन्स दैट फॉर्म्स जीनोटाइप। तो ये हमने यहाँ पर टोटल 6 टर्म्स देख ली हैं, ये हमने कुछ जनरल टर्म्स देखी हैं जो यूज में आती है हमारे इसमें जेनेटिक्स में। तो बच्चों इतना ही आज के लिए पढ़िएगा, और इसके आगे जो टॉपिक्स जो हैं जो टेस्ट में आएंगे वो मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है।